संसद में पारित किए गए कृषि बिल के विरोध में रायपुर में कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने राजीव भवन से राजभवन तक पैदल मार्च निकाला और कृषि बिल को लेकर विरोध जताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजभवन के बाहर धरना दिया। इस पैदल मार्च में शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम समेत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम शामिल हुए। प्रदेश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। राजधानी रायपुर में प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में प्रदर्शन जारी है। हम शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम से ही पूछना चाहेंगे, सर ये प्रदर्शन चल रहा है, आप लोग राजभवन जा रहे हैं, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो मोदी सरकार जो किसानों के लिए जो काला कानून बनाया है, इसमें किसानों का भला होने वाला नहीं है। किसानों का सशक्तिकरण, उसका संरक्षण, ये कहाँ पे हो रहा है? एमएसपी का पूरा कहीं उल्लेख नहीं है, जबकि जब मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो इन्हीं बातों को लेकर उन्हें प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा था कि एमएसपी का सूचित रूप से उसमें उल्लेख होना चाहिए। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी बन गए हैं तो मोदी जी के कानून को नहीं मान रहे, उसके उन्हीं के लिखे हुए जो बात थी उसको नहीं मान रहे और ये किसानों के हित में कतई नहीं है। इसी बात को ज्ञापन देने के लिए आज हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग जा रहे हैं। राष्ट्रपति के नाम आप लोग राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपने वाले हैं, लेकिन कानून पर तो हस्ताक्षर हो चुका है, कानून बन गया, क्या कहना चाहेंगे? इस कानून को वापस लेने के लिए हम लोगों ने बात कही है और किसानों के हित के लिए मंडी समाप्त हो जाएगी और कॉरपोरेट जगत के लोग इसमें आ जाएंगे कि खेती में वो अपने औने तो पौने दाम पे किसानों के उपज खरीदेंगे। ये किसानों का इसमें जो हित नहीं होगा, ये काला कानून है, ये किसानों के हित में इसके इसको वापस लेना चाहिए, इस बात को लेने के लिए हम जा रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर आपने देखा कि आप पीछे भी देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर प्रदेश भर में कांग्रेसी जो है वो तैनात है और राजभवन जा रहे हैं, सभी पैदल निकले हैं और सभी जो है राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने जाएंगे। ये ज्ञापन जो है वो राष्ट्रपति के नाम होगा और राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी संख्या में प्रदेश भर में कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर विधायक मंत्री समेत प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी मौजूद रहे। कैमरामैन श्याम के साथ सुप्रिया पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। कृषि कानून के विरोध में राजभवन के बाहर कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया, साथ ही कृषि बिल वापस लेने की मांग की। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि हम चरणबद्ध आंदोलन के जरिए केंद्र सरकार को कानून वापस लेने पर मजबूर कर देंगे। बिल को लेकर प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम से स्वराज संवाददाता सुप्रिया पांडे ने खास बात की। छत्तीसगढ़ में आज प्रदेश कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है, कृषि कानून को लेकर के इनका विरोध प्रदर्शन जारी है। इसके विरोध में पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होने वाले थे, लेकिन किसी कारण से उनका जो निरस्त हुआ है। और अभी हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम मौजूद है। आज आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या मांग करना चाहते हैं? केंद्र की माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अन्नदाताओं, देश के मजदूरों को बंधुआ मजदूर बनाना चाहती है, इसलिए देश में 3 काला कानून लाकर उनके उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाना चाहती है। उसके विरोध में आज हम लोग महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे राज्यपाल महोदय के माध्यम से और ये काला कानून वापस लेने की हम मांग कर रहे हैं। इस विधेयक पर तो राष्ट्रपति जी ने साइन भी कर दिया है, अब ये कानून बन चुका है, उसके बाद भी आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश में जब जब विपत्ति आई तो देश में किसान मजदूर खड़ा हुआ है और कई बार ऐसे अवसर आए हैं केंद्र सरकार को कानून वापस लेना पड़ा है। 2 अक्टूबर को चरणबद्ध आंदोलन जिला मुख्यालय में होगा, उसके बाद 14 अक्टूबर को प्रदेश स्तर में पूरे किसानों का बृहद सम्मेलन होगा, धरना प्रदर्शन होगा और 20 लाख से अधिक हस्ताक्षर युक्त हम लोग केंद्र सरकार को छत्तीसगढ़ के किसानों की हम सौंपेंगे। तो हमें उम्मीद है केंद्र सरकार एक कानून वापस लेगी। बिल्कुल, जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि वो केंद्र सरकार को कानून वापस लाने पर मजबूर कर देंगे। कैमरामैन श्याम पटेल के साथ सुप्रिया पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। पैदल